सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। कितना सिंपल है सवाल बोला जा रहा है। ये जो मान लेते हैं सी से डी कोई टावर है और ए बी कोई भवन है, ठीक है, भवन मतलब घर है। भवन की ऊंचाई दे दिया 7 मीटर ऊंचा भवन है। इस भवन के शिखर मतलब छत पर से हम टावर के ऊपर को देख रहे हैं, शिखर को देख रहे हैं, टावर के शिखर को, तो वहाँ का उन्नयन कोण जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है उन्नयन कोण। उसी भवन के शिखर से हम इस टावर का जो पाद बिंदु है मतलब जो जमीन है उसको देख रहे हैं, तो उसका जो अवनमन कोण है वो है 45 डिग्री। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं ये एक एकांतर कोण होता है इस तरह से, तो ये कोण बराबर होता है, उसी प्रकार ये कोण और ये कोण बराबर होता है, तो 45 डिग्री बराबर यहाँ कोण बराबर होगा 45 डिग्री एकांतर कोण से। और वैसे भी उन्नयन कोण और अवनमन कोण का जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए हमने माना ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तथा सी डी एक केबल टावर है। सी से डी जो है पूरा एक केबल टावर है। ठीक है, भवन के शिखर से टावर के शिखर का, भवन का शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जबकि भवन के शिखर से टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि पूरा सी और डी, पूरा डी सी बोलिए या सी डी बोलिए, सी डी को ज्ञात करना है। ठीक है, सी डी बराबर वाट। आइए पहले हम चर्चा करते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में आप बोलिए ये दिया है तो इसको निकालना पड़ेगा, तो ये दोनों का जो रेशियो होता है वो किसका होता है, टेन थीटा, क्योंकि ये थीटा यहाँ पर, थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस हो जाएगा लंब और आधार, तो ए बी बटे बी डी। क्लियर, अब आप बताइए टेन 45 डिग्री जो है, 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और आपका जो ए बी है उसका वैल्यू 7 था बटे बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 7 × 1 = BD × 1, तो बी डी बराबर कितना निकल गया 7 मीटर। ठीक है, अब आप देखिए समकोण त्रिभुज ए सी में, यहाँ वाला त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ए सी में आप बोलिएगा सर हमको तो पूरा चाहिए, तो हम ये पूरा, तो यहाँ समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, ए डी सी समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा, आपको समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए कन्फ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर ए सी ये वाला समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे थीटा का वैल्यू जो है 60 डिग्री, थीटा के सामने वाला ये जो साइड है वो आपका हो जाएगा लंब परपेंडिकुलर और नीचे जो है ये साइड हो जाएगा आपका बेस, तो कहीं ना कहीं ये वाला हमको चाहिए है ना। तो आप बताइए जितना बड़ा बी डी होगा उतना बड़ा ए ई नहीं होगा, आपने जस्ट बी डी का वैल्यू 7 निकाला है, इसका मतलब ये 7 मीटर होगा, तो बोलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये भी 7 होगा या नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा, ये 7 मीटर है तो डेफिनेटली ये भी 7 मीटर होगा। क्लियर है ना। अब आप देखो समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या कर रखे हैं कि वहाँ थीटा 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर बोलो सी ई बटे ए ई होगा या नहीं, सी ई बटे ए ई, टेन 60 का वैल्यू होता है √3, सी ई को हम नहीं जान रहे हैं बट ए ई हमको पता चल रहा है, ए ई बोलो, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये पता नहीं, लेकिन हमने क्या बोला कि बी डी बराबर ए ई होगा तो वो 7 लिखा जाए। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी ई बराबर आप देखो 1 से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, 7 √3 हो जाएगा, इधर सी ई हो जाएगा। टावर की ऊंचाई हमको अब ज्ञात करनी थी, तो टावर की ऊंचाई पूरा सी डी था, मेरे पास फिलहाल सी ई पता है और देखो आप ई डी ऑलरेडी हमको मालूम था, तो सी डी बराबर आप देखो सी डी बराबर कह सकते हैं सी ई प्लस ई डी। ठीक है, सी ई का वैल्यू हमने जस्ट फाइंड करा 7 √3 और ई डी का वैल्यू 7 दिया था, तो जब हमने यहाँ से दोनों से क्या करा कि कॉमन लिया, 7 इसमें भी है यहाँ भी 7 है, 7 कॉमन ले रखे हैं, तो हो जाएगा आपका यहाँ √3 और 7 का टेबल में 7 1 बार में, इसलिए यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, समझ में आ गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।